2023 ओला में आप सभी को पता होगा कुछ ऐसा पोर्टेबल चार्जर हमको देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग को इसका यूज़ अभी तक नहीं पता चला। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने या किसी ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर की वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट और रीसेट का बटन दिया है। बट इसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और इसका यूज़ आखिर में है क्या और पुराने में ऐसा क्यों नहीं दिया था, ये अच्छा है कि पुराना वाला अच्छा है, पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात कर ले, ये है हमारा PRDC चार्जर या एडोप्टर जो भी बोल लो, ये एक प्लग है एक तरीके का, ये आपको तब प्रिवेंट करता है अगर आपको करंट लगने वाला हो तो ये आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसका नाम ही आप जैसे देख पा रहे हैं PRDC, ये आपका सिंपल प्लग में नहीं लगता, इसके लिए आपको पावर प्लग की जरूरत है। बट ऐसा नहीं है, ये आपका 6 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक का किसी में भी लग सकता है। तो आपको इसके लिए चाहिए होगा एक पावर प्लग या पावर प्लग कन्वर्टर, जो मैं पहले से ही लेके आ गया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था ये मेरे को 70 रुपये का कुछ पड़ा था। ये कन्वर्टेबल है जिससे आप इसमें फिक्स करके ईजिली इसमें ये फिक्स हो जाएगा और आप अपने घर में नॉर्मल प्लग में लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में पावर प्लग है तो उसके लिए तो और अच्छा, ये लेने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं बताता हूं इसका प्रॉपर यूज कैसा है। अगर आप इसको सिंपली प्लग इन करेंगे और उसके बाद अपना स्विच को अगर आप ऑन करते हो तो इसमें एक लाइट जलना चालू हो जाएगा। ये इसका LED लाइट, ये तब इंडिकेट करता है कि आपका चार्जर अब ऑन हो चुका है, वो चार्ज करने को रेडी है। बट अगर आप इसके टेस्ट बटन को प्रेस कर देंगे, ये आपकी उंगली से नहीं होगा, आपको पतला सा कोई पिन से रहेगा, तो आपका वो रीसेट बटन बाहर निकल के आ जाएगा। वापस आपको रीसेट बटन प्रेस करने से वो LED लाइट जलने लगेगी। देखिए, अगर मैं टेस्ट बटन प्रेस करता हूँ तो रेड LED लाइट जलना बंद हो जाती है और मेरा जो स्विच है वो चालू ही है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, और रीसेट बटन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, मतलब उभर के आ जाता है। और ये जैसे ही रीसेट बटन को हम वापस प्रेस करते हैं तो हमारा चार्जर वापस से चालू हो जाता है। अब हम इसको चार्ज लगा कर ट्राई करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कंपनी में क्यों दिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही आप अपना चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग शो हो रहा है, मतलब हमारी गाड़ी जो है ओला अपनी चार्ज होनी चालू हो गई है। वीडियो को आप देख रहे हैं अभी तक तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड खोल के दिखा देता हूँ, देखो 39% है, मतलब कि चार्जिंग पे है, चार्जिंग हो रही है, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अब आपको जो यूज़ पता चलेगा उसके बाद आप अपनी पुरानी ओला में भी यही वाला पोर्टेबल चार्जर का जो PRDC प्लग है उसको लेंगे, जरूर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फैन भी चालू हो गया है, उतनी आसानी से आपको फोटो में दिख नहीं पा रहा हूँ, रियल में अगर आप फील करेंगे तो वहाँ से हवा भी पास होती है और यहाँ पर आपका रेड LED लाइट इंडिकेट होना चालू जाता है। इसका मतलब है चार्जिंग अभी ऑन हो गई है। ब्लर हो जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से दिखा दे रहा हूँ फोकस करके। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं रेड LED लाइट जलना चालू हो गया है, जैसे ही ये ग्रीन हो जाता है आपका चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा। और चार्जर के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं तो एक बात आपको और बता देता हूँ, आप अपनी गाड़ी को 100% बार बार मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मोबाइल वाली ही लिथियम बैटरी लगी है, जिसकी वजह से आप इसको 85% से लेकर 95% के बीच में निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर इसका जितना सर्कल कम्प्लीट होगा उतनी बैटरी की लाइफ कम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन चलना चालू हो गया, तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप उसको पूरा फुल चार्ज कभी मत कीजिएगा, जब इमरजेंसी हो तो ही कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोर्टेबल चार्जर का जो PRDC प्लग है वो प्लग इन हो गया और जलना चालू हो गया। अब आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, आप इसको डेली जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाइएगा। अगर आपके सप्लाई चेन में इश्यू होगा या चार्जर में कुछ इश्यू होगा तो वो आपका रेड LED लाइट नहीं जलेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो टेस्ट बटन दिया है उसको एक बार प्लग इन करके अपने पेन से, तो मैं क्यों आप भी पेन से कर सकते हैं, कोई पतली सी चीज़ से उसको प्रेस कीजिएगा, जिसके बाद उसकी LED लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और वापस रीसेट कीजिएगा। यह प्रोसेस आप 10 दिन में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, आपको रोज़ रोज़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं टेस्ट बटन प्रेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट चार्जिंग शो होने लगा, यानी कि प्लग चालू रहने के बाद भी अगर टेस्ट बटन बंद है हमारा तो उसके बाद चार्जिंग नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि मैंने प्लग ऑन करके रखा है और वहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रही, क्योंकि इसका टेस्ट बटन मैंने प्रेस कर दिया था। अब जैसे ही मैं इसको रीसेट में वापस क्लिक करूंगा, इसमें रेड LED लाइट जलनी चालू हो गई है, अब हमारा चार्जिंग स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं इसका यूज़ कितना ज़्यादा सिंपल था, आप इसको आराम से घर में कर सकते हैं और इसको आप 10 दिन में 1 महीने में एक बार टेस्ट और रीसेट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपके चार्जर में कोई दिक्कत होगी, वैसे ही वो LED लाइट नहीं जलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको टेस्ट बटन को प्रेस करना और वापस रीसेट कर देना, आपका चार्जर वापस से चालू हो जाएगा, कोई भी सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका चार्जर यहाँ पर चलने लगा, ये वीडियो में करके ब्लिंक हो रहा है पर रियल में ये प्रॉपर जल रहा है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा ब्लिंकर आप लोग का नहीं कर रहा। अब इसको क्यों दिया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता
बिल्कुल, जैसे कि ये वायर है यहाँ से अगर कट जाता है या चूहा काट देता है या हल्का सा ब्लेड लग भी जाता है, तो पुराना चार्जर क्या रहता था हमारा, उसमें दो टाइप के वायर सप्लाई होते थे या तीन टाइप के वायर सप्लाई होते थे, जो कि हमारा रहता था रेड ब्लू, रेड ग्रीन और अपना ब्लैक। तो ब्लैक तो सभी को पता है न्यूट्रल होता है, और रेड हमारा पावर फेस होता है जो बहुत ही डेंजर के लिए दिया जाता है, रेड साइन। तो अगर उसमें अगर आपको यहाँ पे कटा फटा रहता है अगर ये वायर में, तो आपको डायरेक्ट करेंट लगता है। यहाँ पे आपको दो वायर दिख रहे होंगे येलो और रेड करके, तो पुराने चार्जर में आपको दो ही कनेक्टेड दिखते होंगे तीन फेस के साथ। तो जैसे ही अगर आपका कहीं से भी कटा होता है तो वो आपको करंट इजीली लग सकता है। ये वाली साइड तो बहुत मोटी है, यहाँ से तो नहीं कर सकता, तो जिसके वजह से आपको करंट लग सकता है, आपकी स्कूटी में भी आग लग सकता है या आपके चार्जर में आग लग सकता है ज़्यादा है ओवरफ्लो होने के करंट के कारण। तो इस वजह से ये दिया गया, और इसका नाम ही रखा गया है PRDC, जिसका मतलब होता है पोर्टेबल रीशेड्यूल करंट डिवाइस। मतलब कि यही अपना PRDC अपने करंट को रीशेड्यूल करता है और आपको करंट लगने से भी बचाता है और आपके चार्जर में आग लगने से भी बचाता है। और आप यहाँ पे जो मैनुअल दिया है हमारे चार्जर का, उसके अगर आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा इसका यूज़ लिखा हुआ है, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको वीडियो में बताया, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। और वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और इसी तरह के ओला की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे हम पेज नंबर 10 पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेस्ट बटन का, रीसेट बटन का और यहाँ पे LED लाइट का, तीनों का आपको प्रिकॉशन दिया गया और आपके बारे में बताया गया उसके बारे में कि आपको इसको कैसे यूज करना है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यही अपना PRCD चार्जर के बारे में, पोर्टेबल रीशेड्यूल करेंट डिवाइसेस है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हैवल्स ने इसको 2-3 साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। इसको आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज और जैसे जिसमें करंट फ्लो होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि कूलर, ये उसमें लगाया जाता है। इसको आप मार्केट से लेकर अपने घर में भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ओला का पुराना चार्जर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग लेट नाइट चार्ज करते हैं या 12 से 5 तक लगा देते हैं और सोते रहते हैं, और आपके पास वो वाला चार्जर है तो उसमें करंट फ्लो होने के चांसेस है। बट ये वाले आपको पोर्टेबल में नहीं दिया गया, तो आप ये वाला प्लग जरूर लाइएगा। ये मार्केट में आपको 600 से 1000 के बीच मिल जाएगा और आपको इजीली आपके पुराने चार्जर में भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दो वायर है और दोनों का फेस आपको कनेक्ट करना है, और बाकी आपका चार्जर, ये जो मोटर है ये आपका स्टील सेम रहने वाला है, और बाकी इसका जो गन है वो यहाँ पे डिफरेंट मिलने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना पोर्टेबल चार्जर बदल दीजिएगा या पोर्टेबल प्लग बदल दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता है आपको फिर किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।